आज ही के दिन 1828 में राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के पहले सत्र का आयोजन कलकत्ता में संपन्न हुआ। 1897 में आज ही के दिन रोनाल्ड रॉस ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी जनरल हॉस्पिटल में काम करने के दौरान मलेरिया के कारक एनोफिलीज मच्छर की पहचान की। 1921 में आज ही के दिन केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई थी। 1944 में आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म हुआ। राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। वे इंदिरा गांधी के पुत्र और जवाहरलाल नेहरू के दौहित्र यानी नाती थे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 1989 के आम चुनावों में कांग्रेस की हार हुई और पार्टी 2 साल तक विपक्ष में रही। 1991 के आम चुनाव में प्रचार के दौरान तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक भयंकर बम विस्फोट में राजीव गांधी की मौत हो गई थी। राजीव गांधी को भारत रत्न इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1949 में आज ही के दिन यूरोपीय देश हंगरी में संविधान को अंगीकार किया गया। आज ही के दिन 1955 में मोरक्को और अल्जीरिया में फ्रांस विद्रोही दंगों में सैकड़ों लोग मारे गए। 1972 में आज ही के दिन तत्कालीन सोवियत रूस ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 1979 में आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 23 दिनों के अंदर ही इस्तीफा दिया। आज ही के दिन 1988 में भारत और नेपाल में 6.5 की तीव्रता वाले भूकंप से करीब 1000 लोगों की मौत हुई। और आज ही के दिन 1991 में उत्तरी यूरोपीय देश एस्टोनिया ने तत्कालीन सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा की।